गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूमेरिकल्स ऑफ द पार्ट फ्लोटेशन. फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मूलाज विच आर कमिंग इन दिस पार्ट. सी, दिस इज द डेंसिटी विच इज रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. देन सेकेंड इज प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. मीन्स हियर इट इज फोर्स एक्टिंग वर्टिकली और परपेंडिक्युलर टू द सर्फेस. सो हियर इट इज अ थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया. देन थर्ड वन इज रिलेटिव डेंसिटी विच इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर. एंड द डेंसिटी ऑफ वॉटर हियर इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो दीज आर द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द न्यूमेरिकल्स. नाउ सी द क्वेश्चन हियर. द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. वॉट इज द डेंसिटी ऑफ द पैक्ड पैकेट. वी विल गो वन बाय वन. सो फर्स्ट वी विल सी द गिवन पार्ट. वॉट वॉट थिंग्स आर गिवन ओवर हियर. यू कैन सी वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम इज गिवन ऑफ सील्ड पैकेट. सो वॉल्यूम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. देन यू कैन सी दिस इज द मास इज गिवन. एज इट इज गिवन इन ग्राम, सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट मास ऑफ द पैकेट इज 500 ग्राम. ओके, सो वॉट इज द डेंसिटी ऑफ द पैक्ड पैकेट. यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी. सो हियर फॉर फाइंडिंग द डेंसिटी यू कैन सी हियर मास अपॉन वॉल्यूम. हियर मास इज गिवन, वॉल्यूम इज देयर. यू कैन फाइंड द डेंसिटी. दैट इज रो इक्वल टू, मीन्स डेंसिटी इक्वल टू वॉट इज द फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. मास इज 500 डिवाइडेड बाय 350. या जीरो जीरोज विल गेट कैंसल एंड बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1.43. ओके, 1.43. व्हाट विल बी द यूनिट हियर. मास यूनिट इज ग्राम एंड हियर डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब. सो हियर इट इज सेंटीमीटर क्यूब. दिस यू आर गेटिंग द डेंसिटी. सो वी हैव सॉल्व फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड, सी विल इट फ्लोट और सिंक इन वॉटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस एंड इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो टू फाइंड हाउ द विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक इन वॉटर. वॉट यू हैव टू डू, यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ हाउ यू विल फाइंड, यू विल कंपेयर इट. वी हैव टू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वॉटर. इफ इट इज ग्रेटर दैन वॉटर देन इट विल सिंक इन वॉटर. एंड इफ इट इज लेस दैन वॉटर, मीन्स इफ इट इज लेस दैन 1, इट विल फ्लोट ऑन वॉटर. ओके, फॉर दिस पर्पज वी हैव टू फाइंड नाउ द डेंसिटी. ओके, डेंसिटी वी हैव हियर ऑलरेडी फाउंड विच इज 1.43. नाउ दिस इज द डेंसिटी ऑफ पैकेट. वी विल कंपेयर इट विद द density of water which is 1 gram per centimeter cube. Now you can see here it is 1 gram, here it is 1.43, means the density of the packet is greater than the density of water. So here you can find that the substance will sink because the density of this substance is more than the density of water, so the substance will sink in water. Okay, so the second question also we have solved here. You can write the substance will or the packet will sink in water. Because the density of the packet is greater than the density of water. Okay, so second also we have solved. This is solved. Now say go to the third problem. See in this, what will be the mass of water displaced by the packet? Okay, now in Archimedes principle you have studied that how much weight we are putting into the water, the same amount of water, weight of water will be displaced out. Okay, from this you can find we will find the mass of water displaced. Now you have to find your mass. Okay, volume is already given here. Volume of the packet is given 350 cm³. You have mass, you have to find. So mass, this volume will go this side. So mass equal to volume into density. So substituting these values you can find the mass, which is 350. And what will be the density for this? So for finding here you will get the density of water will be 1. So you will get 350. What will be the unit here? Mass, as it is mass, you will get gram. Why? If you will see here, 350 it is centimeter cube.
and 1 it is gram per centimeter cube. So this centimeter cube and centimeter cube will get cancelled and only the gram will remain. So here the unit will be 350 gram. Okay, so what is the mass of the water displaced? It will be equal to the mass of the packet. It will be equal to the volume displaced by the packet. Okay, water, amount of water displaced by the packet. Now see the fourth, what will be the relative density of the packet, packet. Now here you have to find the relative density. Here the formula is there, you have to just divide it with the density of water. So here what is the density, relative density we have to find now. Relative density equal to density of water. So what is the density, density of substance. So here density of substance is 1.43 gram per centimeter cube divided by, you have to take the density of water which is 1 gram per centimeter cube. Now if you will divide any number by 1, you will get the same number. Okay, this is very interesting thing, because when you are, whenever you are going to relate the density, you have to going to find the relative density. So what happens over here, you have to just divide the number by 1, means divide the number by the density of water which is 1. And if you will divide any number by 1, you will get the same number. Only the thing becomes over here is this unit gets cancelled. You can see both sides the unit is same. So here relative density is unitless. Okay. So there is no unit for the relative density. And the relative density you are getting is 1.3. Okay. As the units get cancelled over here, you are just getting 1.3 answer and without units. Okay, so this is a very simple problem. You can solve such type of problems I have given you. Just try to solve it. Okay, thank you.